तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए। तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने देश के साथ साथ हॉक्स और हॉक्स से जुड़े हर शख्स से नफरत करते हो। वेल डन। फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन क्यों नहीं उठा था? इसने अभी खुद ठिकाने लगाया कि नहीं? बहुत शौक है भाई साहब को लोगों को पालने का। उसको पता नहीं अभी कितना चलाक है, उसे बेवकूफ बना के निकल भी जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। क्या करूं? अजीम भाई। हाँ भाईजान। ये आफ्ताब कहाँ है? मैं कल से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? भाईजान बॉर्डर की तरफ गया है, शायद इसी वजह से उसका फोन नहीं लग रहा है। बॉर्डर की तरफ? वो हथियार गोली बारूद लेने के लिए गया है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाएगा। हाँ भाईजान, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी आपको। बोलो। हैदर भाई हमारे बीच आ चुके हैं। क्या भाईजान आ गए? कब? थोड़ी देर पहले हैदर भाई ने आफ्ताब को फोन किया था, वो ने लेकर इधर आया। भाईजान ये खबर तो हम आपको बहुत पहले सुनाना चाहते थे, लेकिन हैदर भाई ने हमें बताया कि आपने उन्हें फोन करने से मना कर दिया है। हाँ, यहाँ पर खतरा बढ़ गया है। कैसे हैं वो? माशाल्लाह एकदम बखैरियत और हमारे बीच महफूज है। आज रात को मैं उनसे मिलने आऊंगा। जरूर भाई। अभी कहाँ है? वो यही है भाईजान, और अब बिल्कुल बदल गया और आज अपने वतन से उतनी ही नफरत करता है कि जितनी हम लोग उसके वतन से नफरत करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। भाईजान आप आकर खुद देख लीजिए। अब तो जाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जान भाई, खुशामदीद। अब्बू जान कहाँ है? हैदर भाई अंदर है और आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइए। चलिए। है अबू जान? आज मेरी जिंदगी कामयाब हो गई अबू जान, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है। आपको पता नहीं आपको वो हॉक्स के कैद में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती थी। उन सब यादों को बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, क्योंकि बुरी यादें इंसान को कमजोर कर देती हैं और मैं तुम्हें कमजोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ करना है हमारे मकसद के लिए। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जान, आज के बाद आपका बेटा जज्बात की वजह से कभी कमजोर नहीं होगा। बताइए क्या हुक्म है? आज मेरी जिंदगी का वो कामयाब दिन है जिसका इंतजार हर बाप को होता है। बेटे, चाहता तो मैं था कि तुम मेरी सारी जिम्मेदारियां संभाल लो और इस मिशन को आगे बढ़ाओ, लेकिन अभी कुछ दिनों तुम्हें दोहरी जिंदगी जीनी है, और जैसे ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा तुम हॉक्स की नौकरी छोड़ के चले आना। आपका हुक्म सर आंखों में, लेकिन अब्बा जान बहुत देर हो चुकी है, मुझे बेस वापस लौटना है। आप प्लीज मुझे बता दीजिए आपका हुक्म क्या है। जरूर, चलो अजीम तुम भी चलो।
अच्छी तरह मालूम होगी कि मैंने डिफेंस से जो यूरेनियम चुराया था उसी से एक बहुत ही ताकतवर बम बनाया है। जान बेटे, इस बम को बनाने का मेरा मकसद है हिंदुस्तान में बर्बादी और तबाही लाना, और इस काम को मैं जल्दी ही अंजाम देना चाहता है। इसके लिए मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता। वो सब ठीक है अब्बाजान, लेकिन फिलहाल वो बॉम्ब इंस्टॉल करना नामुमकिन है। हैदर शेख के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है बेटे। जानता हूं अब्बाजान, लेकिन इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। सारी जगह आर्मी ने वायरलेस बॉम्ब डिटेक्टर्स लगाए हैं। अगर हमने बॉम्ब इंस्टॉल करने की कोशिश की तो ये खबर आर्मी और हॉक्स तक पहुंच जाएगी। ये मास्टर प्लान उन्होंने हॉक्स से मिलकर बनाया है। बहुत मजबूत प्लान है ये। इसमें बॉम्ब से जुड़े हुए हर पहलू का ध्यान रखा गया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं भाईजान। मतलब आसान है जी। उस मास्टर प्लान में बॉम्ब डिटेक्ट करना और डिफ्यूज करने की सारी जानकारी है, जैसे कितने वायरलेस डिटेक्टर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करते हैं, सारा। अगर ये मास्टर प्लान आर्मी ने हॉक्स वालों की मदद से बनाया है तब तो फिर इसे हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। इस प्लान की डिटेल सिर्फ दो लोग जानते हैं, वीर प्रताप सिंह और अभिमन्यु अधिकारी। फिर तो भाईजान ये समझ लीजिए ये मास्टर प्लान हम लोगों के हाथ में पहुंच चुका है। भैया, शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि अभी अपने देश वालों के साथ नहीं बल्कि हम लोगों के साथ है, और आज की तारीख में वो देश वालों से और हॉक्स से सख्त नफरत करता है। वो नाटक कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें गलत डिटेल्स बताएगा। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन आफताब भाई ने मुझे बताया कि अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसने समीरा पर भी गोली चलाने में कोई चूक नहीं की। समीरा, वो तो खैर हो गई कि आफताब भाई ने पिस्टल में से गोलियां निकाल ली थी, वरना समीरा का तो काम तमाम उसी वक्त हो गया था। मुझे अब भी उस पर भरोसा नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे साबित हो जाएगा कि अभिमन्यु अभी भी अपने देश से नफरत करता है या हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मुझे अभी पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो अपने देश के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम्हारी नफरत जायज है, लेकिन मेरे देशवासियों ने जो मेरे साथ किया और हॉक्स ने जो मेरे साथ किया, क्या वो जायज था? नहीं। अभी प्लीज, तुम इन लोगों को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मैं भी एक हॉक्स की ऑफिसर हूं, झूठ में छुपे हुए सच को पहचान सकती हूँ। तुम्हें पता था कि गन खाली है। एक ट्रेन हॉक्स के ऑफिसर को गन हाथ में लेते ही उसके वजन से पता चल जाता है कि वो खाली है या नहीं, और तुम्हें पता चल चुका था। सो प्लीज, ये सफाई देना बंद करो। लेकिन तुमने हमारे देश और हॉक्स के खिलाफ जो कुछ भी कहा, उस वजह से मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात से हो रहा है, तुम जैसा एक देशभक्त जो अपने देश से इतना प्यार करता था कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी रक्षा करता था, वो आज उसी देश के खिलाफ इतना सब कुछ बोल रहा है। ऐसा क्यों किया तुमने अभी? क्यों? ये तुम मुझे पूछ रही हो क्यों? मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। की एक हद होती है, समझी तुम? मैं बदल गया हूं। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं जान गया हूं कि मेरे देश के लिए जो मेरा प्यार था वो गलत था। मैं जिस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था, आज उसी के लोग मुझे मिटाने की हर कोशिश कर रहे हैं। और यहां तक ही नहीं, मुझे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ठीक है, मेरी मां
मेरा घर जला दिया उन लोगों ने। नफरत करता हूं मैं इस देश से समीरा, नफरत करता हूं। अब तो यकीन हो गया ना भाईजान? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही अभी है। तुम यहीं रुको जान, मैंने चाहता कि उन दोनों को तुम्हारी सच्चाई मालूम पड़े। ठीक है बच्चा। वालेकुम सलाम। मुकद्दर का खेल देखो, एक बार फिर हम आमने सामने। मैं चाहता हूं कि इस बार की तुम्हारी ये मुलाकात पिछली मुलाकात से अलग हो। याद है उस दिन मैन में मैंने तुमसे क्या कहा था? हमसे हाथ मिला लो। लेकिन तुम माने नहीं। देखो आज तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जो बरसों से हमारे साथ होता चला आ रहा है। नाइंसाफी, हम दोनों के घाव एक जैसे हैं अभिमन्यु अधिकारी, तो हमारे मर्ज एक क्यों नहीं हो सकते? हम एक एक जख्म का बदला लेंगे अगर तुम हमसे हाथ मिला लो तो। अब मैं आपके साथ हूं। अब जबकि हमारे दिल मिल गए हैं तो हमारे राज भी एक हो जाने चाहिए। मैं तुमसे उस मास्टर प्लान की बात कर रहा हूं जो हॉक्स और आर्मी वालों ने मिलकर बनाया है। वायरलेस बम डिटेक्टर्स के लोकेशन और उसके डिटेल्स के बारे में तुम्हें और वीर को पता है। सही फरमा रहे हैं आप आयदर भाई। जब देश ही अपना नहीं रहा तो फिर उसके राज अपने दिल में रख कर क्या करेंगे हम? मैं जानता हूं कि वो मास्टर प्लान हमारे देश में कहां छुपा कर रखा है, और आपको बताने में कोई एतराज नहीं है मुझे। अभी क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम मास्टर प्लान इन लोगों को दे दोगे? ये लोग टेररिस्ट हैं। अगर इनके हाथ मास्टर प्लान लग गया तो ये लोग हमारे देश को तबाह कर देंगे। अभी प्लीज अभी स्टॉप, अभी नहीं प्लीज। एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस फाइल में लिखी एक एक रिपोर्ट ऑथेंटिक है? 100% सर। और इसमें लिखा हुआ नाम भी घड़ी की कड़वी हकीकत से जुड़ा हुआ है? यकीनन सर। ये वही फाइल है जिसमें वो सारे एविडेंसेस हैं जो गद्दार की तरफ इशारा करते हैं। इसे यहां रखना सेफ नहीं है, इसे हाई सिक्योरिटी जोन के रिकॉर्ड रूम में रख देता हूं। इन सी विंग लॉकर नंबर 102। यस।
ये लीजिए भाईजान, ये अभिमन्यु ने लिख कर दिया है। मास्टर प्लान एयरफोर्स बेस में कहाँ रखा गया है, ये रही उसकी डिटेल्स। बेटे अब सारी चीजें हमारी मुट्ठी में है। अभिमन्यु के हमारे साथ में आ जाने से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हमें अभिमन्यु का दोगुना फायदा उठाना होगा। अभिमन्यु हमसे जुड़ गया है, ये बात हम हॉक्स को बता देंगे। इससे पूरी तरह साबित हो जाएगा कि वो एक देशद्रोही है और मेरी पोजीशन हॉक्स में और भी सॉलिड हो जाएगी। खुदा ये हाई सिक्योरिटी जोन है, यहां तो वीर के परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, मैं भी नहीं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। शुक्रिया अभी, तुम्हारी वजह से ये मास्टर प्लान मेरे हाथ लग गया है। अब हिंदुस्तान की तबाही कोई नहीं रोक सकता।